मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 5th, दैट इज एसिड बेस इन सॉल्ट फॉर 7th साइंस। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एसिड, बेस, सॉल्ट एंड सो मैनी अदर टॉपिक्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एसिड ड्रेन, न्यूट्रलाइजेशन एंड आंट बाइट एंड सो मैनी अदर टॉपिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है? द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड, जो क्या होती है, क्या कंटेन करती है, एक्सेस ऑफ एसिड कंटेन करती है, दैट आर नोन एज एसिड रेन। और कैसे होती है, जो ये जो रेन है बिकेम एसिडी बिकॉज, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, क्या रिलीज इन टू द एयर एज क्या है, पोल्यूटेंट डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। जो एसिड रेन क्या होती है, जो डैमेज करती है हमारी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है, हमारे जो एक्वेटिक लाइफ होती है, प्लांट्स होती हैं, एनिमल्स, उनको क्या करती है, उनको डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ताजमहल, उसकी क्या होती है, ब्यूटी धीरे धीरे क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर से क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर से क्या होगा, नाइट्रिक एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, वी विल डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कैसा होता है, कैसे परफॉर्म करता है हमारे जो एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। सो क्या है न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन कैंसल द इफेक्ट, क्या करता है, जो कैंसिल करता है इफेक्ट इसका, जो एसिड होता है और बेस का होते, दोनों के दोनों इफेक्ट को क्या कर देता है, वो कैंसिल करता है। इट मीन्स ना तो कोई चीज़ एसिडिक होती है, ना कोई चीज़ क्या होती है, बेसिक होता है। इट मीन्स क्या होता है, उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे हमारा वाटर ना तो वो एसिड स्टेट में है, ना वो कैसे बेसिक स्टेट में, किस स्टेट में होता है हमारा, वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, हमने क्या लिया, फिनोफ्थलाइन ले लिया, हमने इंडिकेटर्स ले लिए, टेस्ट ट्यूब ली, जिसके अंदर हमने डाला एसिड, HCl डाला उसके अंदर, देन फिर हमने डाला एसिड HCl, और क्या है फिनोफ्थलाइन, क्या इंडिकेटर, इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है हमें कि जो भी चीज़ हम डाल दें, जो भी सोल्यूशन हमने लिया है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड होगा तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा, अगर बेसिक होता उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक होगा। तो इसमें हम डालते रहते हैं एसिड, प्लस इसके अंदर क्या ऐड कर दिया हमने, फिर हम इसके अंदर बेस कर दिया। एसिड होगा तो सब्सटेंस कलर कैसा, कलरलेस होगा। जब इसके अंदर हम बेस डालेंगे, बेस डालने से कलर कैसा होगा, हम डालते रहते देन वो चेंज हो जाता है हमारे, किसके अंदर, वो पिंक कलर के अंदर हमारा चेंज हो जाता है, दैट इज अवर न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स विद ए बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिड सॉल्यूशन किसके साथ मिक्स हो जाता है, बेसिक के साथ वो मिक्सअप हो जाता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इससे क्या होता है, दोनों का जो इफेक्ट कैसा होता है, वो क्रॉस, इट मीन्स क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, खत्म हो जाता है, वो जीरो होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। और क्या होता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेस नेचर ऑफ द बेसिक आर डिस्ट्रॉय, वो खत्म हो जाते हैं दोनों का नेचर, और द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ना तो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है, मतलब जो हमें मिलता ना तो एसिड होता ना बेसिक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। कोई भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, ऑलवेज हीट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर राइज क्या होता है, राइज अप हो जाता है, बढ़ जाता है हमारा, एंड इन न्यूट्रलाइजेशन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब भी हम करते हैं कोई ना कोई क्या न्यू सब्सटेंस में मिलता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। उसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एनी नेचर, जो हमारा सॉल्ट है एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है हमारे नेचर में। देन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सो डेफिनेशन क्या हुई, जो रिएक्शन किसके बीच में, एसिड के बीच में एंड बेस के बीच में, दैट आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with evolution of heat. Okay, acid plus base, it means salt plus water, heat इसमें से produce होगी. Hydrochloric acid, it means HCl plus NOH, it means sodium hydroxide. Then क्या होगा, sodium chloride NaCl plus water. Next we talk about student neutralization in everyday life. और neutralization क्या होता है, हमारे everyday life में भी होता है, उसको हम discuss करते हैं। तो 3-4 points है हमारे, जैसे indigestion ट्रीटमेंट के अंदर, क्या होते हैं जो आंट बाइट की ट्रीटमेंट के अंदर, सोल ट्रीटमेंट के अंदर, और फैक्ट्री जो वेस्ट होता है ट्रीटमेंट के अंदर, हम डेली जो न्यूट्रलाइजेशन, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय। सो विल डिस्कस दीज फोर टॉपिक्स वन बाय वन। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंडाइजेशन ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंडाइजेशन ट्रीटमेंट। अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। क्या होता है, हमारे स्टमक प्रोड्यूस करवाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किसके अंदर
हेल्प करता है। बट क्या होता है, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन, बट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे स्टमक के अंदर इंडाइजेशन होता है। तो रिलीज करने के लिए इस एसिडिटी को हम क्या करते हैं, वो टेक डेज दैट आर फॉर आर एंटी एसिड। क्या करते हैं, एसिडिटी हो जाती है उसको रिलीज करने के लिए हम टैबलेट लेते हैं, वो एंटी उनको बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्सेसिव एसिड इन द स्टमक, क्या करते हैं उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं हमारी एसिडिटी को। कौन से एंटा एसिड होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज एज एंटा एसिड विच कंटेन बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम का यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, इसको हम जो एसिडिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट आंट बाइट। व्हेन हमें कोई भी जो आंट बाइट कर जाती है, इट इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन के अंदर इंजेक्ट कर जाती है। दिस एसिड कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, जिससे हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। और सिर्फ इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ किसी बेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, रबिंग कर देते हैं बेकिंग सोडेट में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे जो पेन होता है उसमें हमें रिलीफ मिलती है जब भी कोई आंट बाइट हमें कट कर जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट होता है हमारा, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिससे हमारी सॉइल कैसी होती है, एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेस। जो हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे अगर हमारी सॉइल ज्यादा एसिडिक होगी और ज्यादा बेसिक हो जाती है। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर एसिडिक हो गए तो इट इज ट्रीट विद बेस के साथ, इसको ट्रीट करेंगे लाइन के क्विक लाइम और क्या स्लेक्ट लाइम के साथ इसको हम ट्रीट करेंगे। अब द सॉइल इज बेसिक वी एडेड ऑर्गेनिक मैटर्स, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, ऑर्गेनिक मैटर वो रिलीज करते हैं एसिड को, विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉयल। नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट टॉपिक फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट को हम डिस्कस करते हैं, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड। क्या करती है, जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री में से वो कंटेन करती है बहुत सारे एसिड। बहुत सारे क्या कंटेन करती है, वो एसिड को कंट्रोल करती है, एसिड को कंट्रोल करती है। इफ दे आर अलाउड टू फॉलो इन टू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। किसको किल कर देते हैं, ये फिश को और अदर ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, क्योंकि वाटर में बहुत सारे हमारे क्या करते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, और उनको क्या किल कर देते हैं। देयरफॉर जो फैक्ट्री वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्चार्जिंग इन वाटर बॉडीज। जो हमारे जो वेस्ट होता है हमारे फैक्ट्रीज का, उनको न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे जो वाटर के अंदर है, जो फिश है, अदर एनिमल्स है, वो सेफली रहे, डैमेज ना हो। सो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको कैसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे, जो फैक्ट्री का वेस्ट को हम बेसिक सब्सटेंसेस के अंदर ऐड करेंगे, इसके सॉल्यूशन को हम न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं उस एसिडिक सॉल्यूशन को। सो स्टूडेंट, यू राइट दिस चैप्टर केयरफुली। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।